दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दांतों में कीड़े लगना, तेज दर्द होना, दांतों में होने वाले सड़न के बारे में। इस प्रॉब्लम से परेशान आपके घर में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो अगर आपके दांत में दर्द है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे देखा जाए तो दांत दर्द से आराम पाने के लिए काफी सारे घरेलू उपाय हैं जिसे लोग आजमाते हैं। कोई अच्छे से काम करता है तो कोई उतना फायदा नहीं करता। लेकिन आज मैं जो आपके साथ घरेलू उपाय शेयर करने वाला हूँ तो इसके इस्तेमाल से आप दांतों के दर्द से बहुत ही जल्दी आराम पा सकते हो। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सभी कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। मात्र 7 दिन के इस्तेमाल से आपको इसका असर दिखने लगेगा। दांत से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके दांत स्वस्थ और मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों दांत में जब दर्द होती है तो भयंकर दर्द होता है, इसे सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाता है। वैसे दांतों में दर्द की वजह कई सारे से हो सकते हैं, गर्म या ठंडा खाने की वजह से, दांतों की सफाई ना रखने की वजह से दांतों में कीड़े आ जाते हैं, कैविटी आ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से भी दांतों में दर्द की समस्या हो जाती है, दांत कमजोर होने लगते हैं, या फिर अक्कल की दाढ़ निकलने के दौरान भी दांतों में तेज दर्द होता है। दोस्तों ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ ये काफी आसान उपाय है और रोजाना आपको करना है, और सिर्फ आपको इसमें एक चीज का इस्तेमाल करना है। ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ दोस्तों ये कोई नई उपाय नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों द्वारा काफी समय से उपयोग किया जा रहा है, उसका रिजल्ट 100% है। आप भी बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, किसी भी उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना यह है, एक मग आपको गुनगुना पानी लेना है और इसमें आपको 4 से 5 चुटकी सेंधा नमक डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। सेंधा नमक दोस्तों दांतों के कीटाणुओं को मारने का काम करता है, दांतों में जमे गंदगी को दूर करने का काम करता है, और इस पानी को अच्छे से मिलाने के बाद इससे कुल्ला करना है। ऐसा आप रेगुलर कीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर महसूस होने लगेगा, दांतों में होने वाला दर्द जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों दांतों में दर्द करने का सबसे बड़ा वजह होता है कोई भी खाने के बाद मुंह को अच्छे से ना धोना, खास करके मीठा चीज। मुंह अच्छे से ना धोने की वजह से यह दांतों में जम जाते हैं जिससे कीड़े पैदा होते हैं, और यही कीड़े दांतों को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे दर्द शुरू होने लगता है। आपको पता ही होगा कि जो हम कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह नमक दांतों को स्वस्थ चमकदार बनाने के साथ साथ मसूड़ों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो आप इस पानी से कुल्ला तो कीजिए ही, साथ में एक और काम कीजिए, हल्दी, नमक और सरसों के तेल का पेस्ट बना लीजिए। यहाँ नमक आपको नॉर्मल की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इस पेस्ट को आप जहां भी दर्द है, जिस भी दांत में दर्द है उसे लगाकर वहां पर छोड़ दीजिए, ये दर्द को खींचने का काम करेगा, और अगर दांतों में कीड़े लगे हैं तो कीड़े भी मर जाएंगे और आपका दांत स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा। इस पेस्ट से आप दांतों को रगड़ भी सकते हैं, यानी ब्रश में लगाकर ब्रश भी कर सकते हैं, इससे दांत आपके सफेद होंगे। इस तरह जरूर आप करके देखिएगा। इसके अलावा भी एक उपाय और है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर दांतों में दर्द काफी समय से हो रहा है, दांतों में गड्ढे पड़ गए हैं, कीड़े आ गए हैं, तो आप उसका इलाज हींग से भी कर सकते हैं। हींग दोस्तों आपको किसी भी किराने की शॉप से अच्छी क्वालिटी की लेकर आनी है, और इस हींग को जिस भी दांत में दर्द है, जिस भी दांत में गड्ढे हो गए हैं, उस दांत में थोड़ी सी चुटकी भर हींग को रख दीजिए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि हींग रखते ही आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा और दांतों में जो कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगे, और मुंह की बदबू आती हो तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों बताए गए रेमेडी को जरूर आप इस्तेमाल में लाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, और चाहते थे जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए। तो कल एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।